दोस्तों T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 राउंड के चौथे मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। भारतीय टीम ने आखिरी गेंद तक चले इस मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। भारत को मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 160 रनों की जरूरत थी। एक वक्त टीम इंडिया 31 रनों पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने 113 रनों की साझेदारी कर मैच में भारतीय टीम की वापसी कराई। विराट कोहली ने 53 गेंदों पर 82 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 37 गेंदों पर 40 रनों का योगदान दिया। वहीं भारत के खिलाफ इस हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम मायूस नजर आए। इस हार के बाद उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने शानदार काम किया, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन बल्लेबाजी ने हमसे मैच छीन लिया। बाबर आजम ने कहा कि इस क्रिकेट पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, खासकर शुरू के 10 ओवर में, लेकिन हमने अपनी रणनीति पर काम करने की कोशिश की। हमने इस मैच में शानदार खेल दिखाया, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि मिडिल ओवर में हम विकेट चाहते थे, इस वजह से हमने अपने स्पिनरों से गेंदबाजी कराई। उन्होंने कहा कि इस मैच में हार के बावजूद हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है, खासकर जिस तरह से शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह हमारे लिए बड़े पॉजिटिव हैं। गौरतलब है कि टॉस हारने के बाद पहले बाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य था, लेकिन खराब शुरुआत के बावजूद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की शानदार साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया। भारत ने पाकिस्तान को सुपर 12 के अपने पहले मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया है। विराट कोहली ने भारतीय फैंस को दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने इस मैच में 53 गेंदों पर 82 रन की नाबाद पारी खेली है। जवाब में भारतीय टीम ने एक वक्त 31 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 78 गेंदों में 113 रन की साझेदारी निभाई, लेकिन कोहली ने अकेले 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशी पारी खेलकर दिवाली से एक दिन पहले ही पूरे भारत में जश्न की शुरुआत कर दी।